समय कम था क्योंकि खरवास होने वाला था और इतनी जल्दी डिसीजन हुई कि तैयारी करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव ने छिप छिपाकर की शादी की क्या वजह बताई। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव रेचल उर्फ राजश्री के साथ दिल्ली में शादी रचाने के बाद 13 दिसंबर को पटना पहुंचे। शादी के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तेजस्वी और उनकी पत्नी ने आज तक से खास बातचीत की। छिप छिपा कर और साधारण ढंग से शादी करने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा, देखो छुप छुपा के नहीं, बाकायदा दोनों परिवारों के साथ जो है उनके आशीर्वाद से जो है ये शादी संपन्न हुआ है। और उसके बाद पहले से हम लोगों ने तय किया था कि बिहार आकर के बहु भोज जो है रिसेप्शन जो है वो लोगों के बीच ही दिया जाएगा। समय कम था क्योंकि खरवास होने वाला था और इतनी जल्दी डिसीजन हुई कि तैयारी करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, तो इसलिए बाद में हम लोगों ने सोचा कि बाद में रिसेप्शन दे करके जो लोग हैं केवल अभी परिवार के लोग ही जो हैं उसको न्योता दिया जाएगा। परिवार में भी जो जैसे मेरी जितनी बहनें हैं उनके इन लॉज हैं या हमारे बड़े भाई हैं बस उनको ही न्योता दिया गया। वहीं सिंपल शादी के सवाल पर तेजस्वी की पत्नी रेचल और राजश्री ने कहा कि बस फैमिली जो अपने लोग हैं वो यहाँ साथ में रहे, ऐसे आशीर्वाद दे बड़े। शादी में कम लोगों को बुलाने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा, कोरोना का नया वेरिएंट भी आया था और सब कुछ इतनी जल्दी तय हुआ, आपको भी पता है लगन में कहीं कोई जगह भी नहीं मिलती, और आप ही बताएं अगर सब लोगों को बुलाया जाता तो दिल्ली में कहाँ ऐसी जगह है जहाँ लोग सारे फिट हो पाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा अभी सब परिवार के बीच रखा जाए, बाद की जो रिसेप्शन है क्योंकि जो बहु भोज है वो भी एक विवाह का जो है अंग है पार्ट है। शादी की कानोकान किसी को खबर ना होने और अचानक एक ही दिन में सगाई और शादी के सवाल पर तेजस्वी ने कहा, शादी होगी तो बाद में पता चलेगा ही, हम इसको थोड़ी ना छुपा के रखेंगे। जाहिर सी बात है शादी होना था, हम लोग सोचे कि थोड़ा सीक्रेट इसको रखा जाए, बाद में जो है लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि आप मीडिया के ज़रिए जो है बहुत लोगों को सूचना मिलती है, और आपने भी लास्ट विवाह तेज प्रताप जी का देखा होगा, मंच भी टूटा, काफ़ी भीड़ हुई, तो इस वजह से जो परिवार के लोग हैं उन्हीं लोगों की राय थी कि सिर्फ क्योंकि दो अलग अलग परिवार हैं और दोनों में ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, परिवार के लोग एक दूसरे को जाने पहचाने, इसलिए हम लोगों ने एक स्पेस जो है वो देने का मौका किया। वरना अगर सब लोगों को बुलाया जाता, राष्ट्रपति जी हों, प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, तो सब लोग जो है उनके होस्ट में ही लगे रहते हैं, तो परिवार को आपस में बैठ करके बात करने का जो समय जो है वो नहीं मिल पाता।